तो अब बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनकी एक न्यू वीडियो आने वाली बहुत जल्द, तो वो आ चुकी है। तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बहुत कुछ कहा है पहले अपनी वीडियो के बारे में, क्योंकि ये उनके मेन चैनल पर नहीं आई है, वो कुणाल के चैनल पर आई है। रीज़न क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, इसीलिए उन्होंने कुणाल के चैनल पर डाली। आइए देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। हेलो गाइज, हमारी न्यू वीडियो, साल की आखिरी वीडियो 2020 फ्रॉम द एसीबी टीम, इफ 2020 वाज अ पर्सन, आ चुकी है चैनल पे। स्टोरी को स्वाइप अप करो और जाओ देखो, जल्दी देखो। बहुत ही मजेदार वीडियो है, आप लोगों के लिए खास बनाई है। इट्स लाइक अ रिकैप ऑफ 2020। ये वीडियो को स्वयं मैंने लिखा है, मैंने ही डायरेक्ट किया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, मेन चैनल पे डालना थोड़ा रिस्की लग रहा था, लेकिन बहुत मन था कि डाले किधर ना किधर, तो हम लोग ने ये चैनल पे अपलोड किया है। लेकिन इस पे मेहनत दिल से पूरी की गई है, तो जरूर देखना, स्वाइप अप करें एंड वॉच इट। तो बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव का रोस्ट आने वाला है फेम हाउस के ऊपर, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बहुत कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, वीडियोस आनी है बहुत सारी, पार्ट 3 भी आना है और रोस्ट भी आना है फेम हाउस के ऊपर और बहुत सारी चीजें, तो मैं बता देता हूँ कब कब आएंगे। तो भाई जो रोस्ट है वो तो साल खत्म होने से पहले ही आ जाएगा, मतलब अभी परसों ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद मैं गोवा जा रहा हूँ थोड़ा सेलिब्रेट करने, थोड़ा रेस्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मेन चैनल पे बात करेंगे कि कौन कौन सी वीडियोज आएगी, पार्ट 3 आएगा, फिर क्या आएगा, बहुत सारी वीडियो आएंगी। एक बार गोवा घूमाऊँ मैं, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं भाई गोवा का नाम लेके तुमने हमारी गांड जला दी। मज़ा आ गया भाई, मैं ऐसे ही मैं ना वहाँ जाऊँगा और वहाँ की ना स्टोरीज डालूँगा और गांड जलाऊँगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ब्लॉग भी करना, भाई देखो ब्लॉगर तो न्यू मैं कर दूँगा भाई, तुम्हारे लिए कर देंगे, अब क्या है, ठीक है कर दूँगा। तो अब बात करते हैं लक्ष्य चौधरी और सलोनी सियप्पा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लक्ष्य चौधरी की जो न्यू वीडियो है फेम हाउस के ऊपर रोस्ट, तो उस वीडियो में उन्होंने सलोनी सियप्पा के बारे में भी बताया है। तो उसी चीज़ को लेकर काफ़ी बंदों ने उन्हें उनके चैनल पर जाके काफ़ी ज़्यादा कमेंट करे थे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है, आइए उनको भी सुनते हैं। और मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि लक्ष्य चौधरी ने इनके बारे में क्या कहा। जैसे ही टिकटॉक भारत से गया, वैसे ही टिकटॉकर्स की हालत एकदम भारत में इंजीनियर्स जैसी हो गई। कोई फिर टकाटक पे चला गया, कोई मित्रों पे, कोई मौज पे, कोई स्नैक वीडियो पे, और कोई पता नहीं कहाँ कहाँ। पर कुछ एक्स टिकटॉकर्स ने यूट्यूब पर भी आने की हिम्मत दिखाई, लेकिन कभी कुछ ओरिजिनल काम तो किया नहीं, इसीलिए यूट्यूब पे आके भी दूसरे यूट्यूबर से इसी चीज को देखते हुए उनका भी रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने क्या कहा। लेकिन एक टिकटॉक से आए हुए बंदे का सेम टॉपिक पे वीडियो तो कॉपीड ही होगा। और क्योंकि ये बात एक यूट्यूबर ने बोली है जो कि टिकटॉक पे नहीं था, तो ऑडियंस को तो मानना पड़ेगा ना, बहती गंगा में हाथ धोना भी सबको अच्छा लगता है, तो अब कुछ ऑडियंस को मेरे वीडियोस अब कॉपीड लगने लगे। एंड आई ओनली वॉच जीरो हर्षल कैरी ऑन यूट्यूब, क्योंकि आई ऑब्वियसली एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, और मेरे को पता है क्यों लोगों की कब से लगती है, तो इट्स ओके, मेरे को हेट कमेंट्स बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं काम करती हूँ लव के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, और मेरे को बस वही कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है, बाकी हेट कमेंट्स पढ़ के मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। आई बिलीव कि टाइम के साथ सब सही।